हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको CBH का एक नया अपडेट है उसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे और इस वीडियो की भावना में खो जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि CBH में जो है एक नया अपडेट आया है, वो अपडेट जो है आपके बहुत काम का होने वाला है। मैं आपको जो है इस वीडियो में उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलो फिर इस अपडेट की जो है डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से सबने जो है अगर CBH जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है तो आपने देखा होगा कि उस पे जो है एक नया अपडेट आया है। अगर वो अपडेट आपको नजर नहीं आया तो आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर आपने सर्च करना है कैशबैक हमेशा। जैसे ही वो एप्लीकेशन आपको नजर आ जाएगी तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है ओपन का भी बटन नजर नहीं आएगा, इंस्टॉल का भी बटन नहीं नजर आएगा, वहां पर आपको जो है अपडेट का बटन नजर आएगा। आपने जो है उसको अपडेट कर लेना है। कुछ टाइम जो है अपडेट होने को लगेगा, विंडो रिफ्रेश होगी तो आपको जो है वो कहेगा ओपन दिस एप्लीकेशन। तो आपने बैक करके अपने डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल स्क्रीन पे चले जाना है और वहां पर जो है वो वाली एप्लीकेशन जो है आपने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको जो है एक अपडेट नजर आएगा, वो अपडेट जो है आपके बहुत ही काम का है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो है आपको एक अपडेट नजर आएगा और वो अपडेट जो है आपके बहुत ही काम का है, वही मैं अभी आपको अपने फोन पे जो है बताने वाला हूँ। देखो जो है मैंने एप्लीकेशन जो है खोल ली है। एप्लीकेशन खोलने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जो है इसको पेज को जो है ऊपर करो। ऊपर करने के बाद जो है बैंकिंग वाला जो सेक्शन है, मतलब जो बैंकिंग वाला सेक्शन है जिसमें जो है आपको दिखाई दे रहा है माइक्रो ATM दिखाई दे रहा है, मनी ट्रांसफर के ऑप्शन के साथ ही आपको जो है AEPS विड्रॉल ऑप्शन भी नजर आ रही है। वो अपडेट जो है AEPS ऑप्शन पे जो है आई हुई है। क्या अपडेट है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो आपको जो है ऊपर लिखा हुआ बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है AEPS मेन आधार एनेबल पेमेंट सर्विस। उसके नीचे देखो आधार बैंकिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ बैंक वन। उसके साथ ही नीचे जो देखो ऑप्शन आपको आ रही है नजर एजेंट ऑन बोर्ड पेंडिंग, मेन की आपको बता रहा है कि आपकी जो ऑन बोर्ड है AEPS सर्विस जो है वो अभी आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उसको जो है ओके करने के लिए जो है आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू कंप्लीट। तो वो उसको जो है उसकी ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने का मतलब ये प्रोसेस जो है जस्ट लाइक है EKYC मीन की आधार इनेबल पेमेंट सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए जो आपकी एक छोटी सी EKYC होती है, तो उसका ही जो है अपडेट आ गया है। तो इस अपडेट में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एक विंडो और खुलती है। विंडो और खुलने के बाद यहाँ पर आपको कह रहा है पैन कार्ड नंबर, आपने जो है इसमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ, आपने क्या करना है अपना पैन नंबर जो है कैपिटल लेटर्स में भरना है, स्मॉल लेटर्स में ये एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ये क्या करेगा, आपको बैक ले आएगा आपकी होम स्क्रीन पे, AEPS की होम स्क्रीन पे ले आएगा। फिर से जो है उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, अब ये जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपको जो है अपलोड करने के लिए कह रहा है अपलोड योर पैन इमेज, मीन की जो आपने पैन नंबर डाला है उसकी जो है आपने अपनी इमेज जो है अपलोड करनी है। फिर आपको जो है एक विंडो और खुलेगी, उसमें ये आपको लिखा हुआ कि अपलोड योर पैन कार्ड, मीन की जो आपने नंबर उसमें डाला है वही पैन कार्ड जो है आपने अपलोड करना है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है अपना पैन कार्ड जो अपने पास रखना है। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन का कैमरा जो है इनेबल हो जाएगा। तो उस कैमरे से जो है आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो जो है आपने अपलोड करना है। तो जैसे ही मैं देखो यहां पर जो है इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं इसको ओके कर देता हूं, तो मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा। अगर आपने क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो यहां पर, तो ओके कर देते हैं, ओके कर दिया, अंडर प्रोसेस हो जाएगा। अंडर प्रोसेस होने के बाद ये कह रहा है योर पैन कार्ड इज अपलोड। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, वहां पर आपको क्या पूछता है, चलो देखते हैं क्या पूछता है, क्या है अगला। अगला आपको कह रहा है कि अपलोड योर आधार फ्रंट साइड। अब आपने क्या करना है, आपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड जो है आपने अपलोड करनी है, वैसे ही करनी है जैसे आपने जो है पैन कार्ड की कॉपी जो है स्कैन करके, मतलब कैमरे से जो है फोटो खींच के जो है अपलोड किया है। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर से जो है कैमरा इसका इनेबल हो जाएगा। मैं इसका कैमरा बैक साइड पे ले लेता हूँ और जो है मैं अपना जो है इसमें आधार कार्ड जो है इस पर
फोटो कॉपी इसकी कर लेता हूँ। मैंने जो है अपने आधार कार्ड जो है फ्रंट साइड वाला जो है उसकी इमेज ले लिया, ओके करेंगे। फिर से जो क्रॉप बटन पे आएगा वहां पर जो है आपने क्रॉप कर लेना, जितना साइज आपको चाहिए उतना साइज आपने इस पे सेट कर देना। और टॉप पे जो है क्लिक बटन है ऐसे राइट वाला बटन, उस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, ये डॉक्यूमेंट भी आपका जो है अपलोड हो जाएगा। तो ये देखो अपलोड हो गया। अब मेरे को पूछ रहा है इसमें नेक्स्ट स्टेप के लिए, फिर से मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। अच्छा फिर अब कह रहा है सिलेक्ट स्टेट, मैं यहाँ पर जो है स्टेट अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी स्टेट आ गई जम्मू एंड कश्मीर, फिर ठीक जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट, चेक बटन पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये कह रहा है अपलोड योर आधार कार्ड बैक इमेज। अब जो है आपने बैक साइड इमेज जो है आपने क्लिक करनी है। मैं अपलोड पे क्लिक अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ, कैमरे को इनेबल करता हूँ और जो है मैं उसके दूसरी साइड जो है बैक साइड जो है अपने आधार कार्ड की वो वाली जो है मैं इस पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो जैसे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पर जो टिक पे क्लिक कर देना है, टिक पे क्लिक करता हूँ फिर ये क्रॉप बटन पे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। अगर नहीं होगा फिर आपने जो है अपनी इमेज जो है ऊपर नीचे करके जो है आपने उसको सेट कर लेना है। फिर आपने टॉप पे जाना, वहां पर देखो राइट ऐसे टिक बना हुआ, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये फिर से रिफ्रेश होगा और देखो यहाँ पर जो है फिर प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरी जो है दोनों इमेजेस जो है अपलोड हो चुकी हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है अपलोड योर आधार फ्रंट साइड, अपलोड उसकी इमेज बनी हुई आ रही है। नीचे देखो लिखा हुआ है अपलोड योर आधार बैक साइड, उसकी भी इमेज बनी हुई आ रही है। और उसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टेट, मैंने अपनी स्टेट भी सिलेक्ट कर ली हुई है। और नीचे आपको बोल रहा है कि आप जो है यहाँ पर चेकबॉक्स पे टिक करके जो है आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस होगा और देखते हैं आगे ये क्या कहता है। अब ये कह रहा है कि अब देखो ये कह रहा है फिर से आपको जो है इसने अपने फ्रंट पेज पे जो है लेके आया है, जो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस वाला जो पेज है वहां पर जो है आपको लेकर के आया है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गए हैं। तो जो आपकी सीनियर टीम मेंबर होगा वो जो है आपके इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वेरीफाई करेगा, रिव्यू करेगा। तो जिसका जो है डॉक्यूमेंट ओके होंगे तो उसकी जो है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस जो है चालू हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और आप जो है उसका भरपूर जो है फायदा उठा सकते हैं। तो ये है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, बहुत बढ़िया सर्विस है, इसका यूज करो और अपनी जो है अपनी दुकान की जो है कमाई को इंक्रीज करो, मतलब बढ़ाओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है जरूर इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।